हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को हिबिस्कस प्लांट की रिपोर्टिंग दिखाऊंगी। ये प्लांट ऊपर से गिर के नीचे, देखिए इसका पॉट टूट गया है और इसका पॉट जो है काफ़ी पतला हो गया है और कमज़ोर भी हो गया है। तो ऊपर से गिर के टूट गया था तो इसी को रिपोर्ट करना है। ये देखिए, इसके नीचे जो लगाया हुआ रहता है ड्रेनेज के लिए, उसको निकाल लेनी है पहले। और मैं आगे चल के बताती रहूँगी आप लोगों को इसमें कैसी मिट्टी डालनी है रिपोर्ट करने का समय। तो देखिए, ये प्लांट में फूल भी है, सफ़ेद कलर का हिबिस्कस है। ये प्लांट मैं एयर लेयरिंग से बनाई थी, जो गुटी कलम होती है मैं बांध के खुद से और एक दूसरे का घर से प्लांट से बना के लाई थी। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें कोई खाद अभी तक मैं नहीं डाली हूँ। तो ये जो पॉट टूट गया है, अब मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी और इसमें खाद वगैरह डाल के एक ही बार मिट्टी बना के रखी हूँ, उसी को मैं डालूँगी। तो सबसे पहले ऐसे थोड़ी सी बड़ी पट लूँगी, जो पहले की पट थी 8 इंच की, उससे थोड़ी बड़ी है। तो उसके नीचे होल कर लेनी है। होल करने का बाद जो पॉट है, पॉट के नीचे ये डब्बा है एक, तो इसी का नीचे, डब्बे का नीचे पहले 2 इंच तक आप मोटी रेत डाल दें, या तो आप छोटे छोटे कंकड़ डाल के इसको ड्रेनेज सिस्टम इसका बना लें, ताकि इसके जो पानी बरसात में इसमें लगेगी तो आराम से निकल जाएगी पॉट से। तो उसके बाद में आप ये पॉटिंग मिक्स डाल सकते हैं। पॉटिंग मिक्स में मैं ली हूँ पत्तों की खाद, थोड़ी किचन वेस्ट की खाद और नॉर्मल गार्डन सेल, और 200 ग्राम के करीब मैं यहाँ पे मिला के रखी हूँ। ज़्यादा मिट्टी है, केले का छिलके का सुखाया हुआ चूर्ण, उसको मैं मिला के रखी हूँ, और 2 मुट्ठी मैं इसमें मिक्स खाद मिलाई हूँ। मिला के मिट्टी बना के मैं 1 महीने पहले ही रखी थी, उसी मिट्टी को मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग हिबिस्कस के लिए अगर मिट्टी बनाना चाहते हैं सॉयल मिक्स, तो आप लोग मिक्स खाद ले लें। एक पॉट के लिए 8 इंच के लिए मैं बताऊंगी, 1 मुट्ठी मिक्स खाद ले लें, और थोड़ी सी आप मिट्टी ले लें, और 200 ग्राम करीब आप ले लें पत्तों की खाद, और आप ले लें उसमें 100 ग्राम से कम 50 ग्राम के करीब केले का छिलके का सुखाया हुआ पाउडर, और आप थोड़ी चाहे तो किचन वेस्ट खाद ले सकते हैं। किचन वेस्ट का खाद थोड़ी भारी होती है, आप चाहे तो ले, या तो आप पत्तों की खाद डालेंगे वही हो जाएंगे, उसी से हो जाएंगे ये हिबिस्कस का प्लांट। और इसमें तो आप मिक्स खाद डाल ही रहे हैं, केले का छिलके का चूर्ण डाल ही रहे हैं, उसी से ये प्लांट अच्छे से होंगे। ये बनाई हुई मिट्टी डाल के आप इसको प्लांट को लगा दें। उसके बाद आप 3 महीना बाद ऐसे थोड़ी सी मिट्टी हटा लें, 2 इंच के करीब किनारे किनारे से हटा के आप 1-1 मुट्ठी करके इसमें मिक्स खाद डालें, और 1 मुट्ठी आप केले का छिलके का चूर्ण डाल के इसको फिर से वही मिट्टी से ढक दे, तो हिबिस्कस का प्लांट में बहुत अच्छे से फूल आती है। ये आप काम सिर्फ 3 महीना बाद ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप चाहे तो 3 महीना या 2.5 महीना बाद कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी देंगे खाद तो ये गाछ के लिए नुकसानदायक होगी। और आप इसको अगर अच्छे से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो केले का जो छिलके का पानी होती है भिगो के, उसको आप 1 दिन भिगो के रख दें, उसके बाद उसी पानी को डालें। ये देखिए, यही पॉट टूट गया था तो मैं दूसरे पॉट में लगाई हूँ। तो आप लोग के पास भी ऐसे अगर पॉट टूट जाए तो आप लोग ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो केले का छिलके का जो पानी होता है उसको भी आप डाल सकते हैं 1 महीना बाद अपने प्लांट में। और गोबर की खाद ना डालें तो ही अच्छा है हिबिस्कस प्लांट में, अगर आप डालना चाहते हैं। अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं, प्लांट में ज़्यादा पत्ता नहीं है, तभी आप गोबर की खाद डालें, वो भी 2 साल पुरानी सड़ी हुई। नहीं तो आप गोबर की खाद बिल्कुल ना डालें। मैं हिबिस्कस में कोई भी गोबर की खाद नहीं डालती हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी कम ही से कम इस्तेमाल करती हूँ, तब ये अच्छे से हिबिस्कस का प्लांट में मेरे बहुत सारे फूल खिलते हैं। और ऐसे लगाने का बाद आप इसमें पूरी तरह से भर के पानी दे दें, ताकि ये ऊपर तक गिरने लगे। फिर एक बार पानी सूख जाए तो आप फिर से पानी डाल दें। देखिए, मैं इसका मिट्टी इतने अच्छे से बनाई हूँ हल्की, कि इसका पानी डालते डालते ये नीचे से निकल के ड्रेन हो रहे हैं। तो आप लोग नीचे का ड्रेनेज होल भी सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छे से बनाएं, और मिट्टी भी थोड़ी हल्की रखें। पत्तों की खाद वगैरह ये सब डाल के आप बनाएंगे तो मिट्टी आराम से, मिट्टी में से पानी छन जाएगी और बरसात में मिट्टी जम के नहीं रहेगी। और जैसे मेरे देखिए पानी निकल के कैसे बाहर जा रहे हैं आराम से, वैसे ही आराम से निकलेगी। अगर आप लोग नीचे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाए और मिट्टी में ज़्यादा चिपचिपापन ना रखे, और चिकनी मिट्टी तो बिल्कुल ही ना डले। तो इसीलिए पत्तों की खाद अब हम लोग जो डालते हैं, कोई भी प्लांट में आप पत्तों की खाद डालेंगे तो वो मिट्टी हल्की रहती है।
तो आप ऐसे करके रिपोर्ट करें तो आपके हिबिस्कस प्लांट में अच्छे से फूल आएंगे और केले का छिलके का सुखाया हुआ चूर्ण।